हेलो गाइस, आज के शॉर्ट वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ JEE मेन का 24 फरवरी का Shift 2 का क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से देखना, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 12 के Chapter 1 के कंसेप्ट पर डिपेंड है एंड बहुत ही आसान है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। यहां पर बच्चों फिगर दी गई है जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर 1 12 by 12 का 1 स्क्वायर है एंड इसके सेंटर ओ से 6 सेंटीमीटर अबव क्यू चार्ज जिसकी वैल्यू 12 माइक्रो कूलम है वो मुझे दी गई है। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, is x into 10^3 SI unit। So, यही ये मुझे दिया गया है। We want to find x, तो यहाँ पर मुझे x find करना है। अगर बच्चे आपको क्लियर है तो ऑलरेडी SI ऑलरेडी सम हम NCERT के सिलेबस में भी स्टडी कर आए हैं। ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पर मुझे फ्लक्स फाइंड करना है एंड फ्लक्स के लिए मुझे गॉसियन क्लोज सरफेस चाहिए। यहाँ पर ओनली वन साइड दिया गया है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि इसको एनक्लोज करे ये कवर हो जाए ए चार्ज, ऐसा मुझे क्लोज यहां पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर 1 क्यूबिकल टाइप सही है, क्यूब टाइप मैंने गॉसियन सरफेस दिखा दिया है। यहां पर डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान से देखो ए बी सी डी ओनली वन साइड इज गिवन, तो मैंने बाकी की 5 साइड को ऐड कर दिया, 3A 4 आगे फ्रंट एंड 5th बैक साइड, ऑलरेडी बॉटम की 6 साइड दी गई है हमें, सही है। तो यहां पर ये चार्ज मेरा एनक्लोज हो गया, सही है। चलो अभी ऑलरेडी पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगर मैं ये पूरा कंप्लीट क्यूब कंसीडर करता हूं, तो ऑब्वियसली आपको बताए मेरा एनक्लोज चार्ज क्यू होगा एंड ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो वेरी वेल कि फ्लक्स फाई is equal to sigma q upon epsilon 0 होगा। यहां पर ये चार्ज कैपिटल Q दिया गया है तो Q upon epsilon 0 होगा, बोलो क्लियर। बट आपको ध्यान है ये मैंने जो भी फ्लक्स फाइंड किया है वो पूरा क्यूब का है, यहां पर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि ओनली स्क्वायर का चाहिए, यानी कि वन साइड का ही चाहिए, सही है। तो ऑब्वियसली ये जो मैंने फ्लक्स फाइंड किया है वो फॉर 6 साइड है। हमें पता है कि क्यूब की साइड कितनी होती है, 6 होती है, तो 6 साइड का मुझे ये मिला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहां से मैं अपना लॉजिक यूज करूंगा कि ऑब्वियसली वी नो वेरी फॉर 6 साइड और वी कैन से 6 स्क्वायर एज पर गिवन स्टेटमेंट, तो 6 साइड का मुझे मिल रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 फ्लक्स। तो ऑब्वियसली मुझे तो चाहिए ओनली 1 स्क्वायर यानी कि 1 साइड के लिए चाहिए, तो क्या होगा दिस इनटू दिस अपॉन दिस, तो रिक्वायर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0 होगा, बोलो क्लियर। तो ऑलरेडी ये मेरा फ्लक्स हो गया, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है यहां पर मुझे ये फ्लक्स की वैल्यू एक्स के टर्म में मुझे दी गई है, क्यू भी दिया गया है, तो ध्यान रखना मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। हाँ बच्चों मैं यहां पर आपको एक शॉर्टकट देता हूं क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि JEE नीट में कैल्सी अलाउ नहीं है, तो अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो यहां पर हम पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं रखेंगे क्योंकि वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10^-12 है। तो यहां पर मैं इसको k के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली वी नो वेरी वेल k इज इक्वल टू 1/4 πε0 होगा। तो यहां से मैं एप्सिलॉन 0 को अगर सब्जेक्टिव बना रहा हूं, सही है, या फिर 1/ε0 ही है, यहां पर तो डायरेक्ट 1/ε0 ले लेंगे, तो 4π टेक दिस साइड, तो ऑब्वियसली व्हिच इज इक्वल टू 4π k हो जाएगा। तो यहां पर आपको कैल्सी यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि k की वैल्यू 9 × 10^9 है, तो बहुत ही आसान तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, तो यहां पर रिक्वायर्ड फ्लक्स मुझे दिया गया है x × 10^3 है, क्योंकि वैल्यू मुझे दी गई है यहां पर 12 माइक्रो कूलम है, माइक्रो मीन्स 10^-6 कूलम हो गया एंड यहां पर 6 है, 1/ε0 की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 4π k है,
तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 4 पाई, k की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻¹। बोलो क्लियर? तो अब तक कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलो यहां पर 6 × 12 हो जाएगा, यहां पर 9 × 4 = 36, 36 × 2 यानी कि 72 हो जाएगा। तो x × 10⁻³ = 72 π × 9 − 6 यानी कि 10⁻³ हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो लगा ना, ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। चलो बच्चों अभी ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो 10⁻³ भी चला जाएगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा x = 72 π। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से आसान तरीके से हम आंसर ला सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आगे जाना है तो भी जा सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 है, अगर मैं इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वी गेट 226। तो ऑब्वियसली इस तरीके से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बोलो क्लियर? तो बच्चों बहुत ही आसान था, ऐसे कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। एंड ऑलरेडी इस तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो थ्रू आपको JEE एंड NEET का कंसेप्ट मुझे क्लियर करवाना है, तो ऑब्वियसली इसके लिए ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना।